हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन रोहित कुशवाहा फ्रॉम आर एस आई अकेडमी। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो भारत के विश्व धरोहर स्थलों के ऊपर रहेगा, जो हमारे पास कुल 39 है। ये जो विश्व धरोहर स्थल होते हैं इनको संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया जाता है, जो भारतीय संस्कृति और प्राकृतिक स्थलों का संमिश्रण है हमारे पास। तो हम इसी में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा स्थल है वो है आगरे का किला। ये 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया था। तो आगरा का किला एक यूनेस्को घोषित विश्व धरोहर स्थल है, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। इसे लाल किला भी कहा जाता है। इसके लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ही विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल स्थित है। इस किले की चार दीवारी से घिरी प्रासाद या महल नगरी कहना बेहतर होगा। यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण किला है। भारत के मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यहां रहा करते थे और यहीं से वे पूरे भारत पर शासन करते थे। यहां राज्य का सर्वाधिक खजाना, संपत्ति और टकसाली थी। यहां विदेशी राजदूत, यात्री और उच्च पदस्थ लोगों का आना जाना लगा रहता था, जिन्होंने भारत के इतिहास को रचा। यह किला मूलतः एक ईंटों का किला है, जो चौहान वंश के राजपूतों के पास था। इसका प्रथम विवरण 1080 ईस्वी में आता है, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा किया था। सिकंदर लोधी, जिनका समय 1487 से लेकर 1517 तक का था, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, जिसने आगरा की यात्रा की और इस किले में रहा। उसने देश पर यहां से शासन किया और आगरा को देश की द्वितीय राजधानी बनाया। उसकी मृत्यु भी इसी किले में 1517 में हुई थी, जिसके बाद उसके पुत्र इब्राहिम लोधी ने गद्दी 9 वर्षों तक संभाली, जब तक वो पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 1526 में हुआ, में मारा नहीं गया। उसने अपने काल में यहाँ कई स्थानों का निर्माण करवाया, साथ ही मस्जिदों और कुएं का निर्माण कराया। पानीपत के बाद मुगलों ने इस किले पर भी कब्जा कर लिया और साथ ही इसकी अगा संपत्ति पर भी। इस संपत्ति में एक हीरा भी था, जो कि बाद में कोहिनूर हीरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब इस किले में इब्राहिम के स्थान पर बाबर आया। उसने यहाँ एक बावड़ी बनवाई। सन 1530 में यही हुमायूं का राजतिलक भी हुआ। हुमायूं इसी वर्ष बिलग्राम में शेरशाह सूरी से हार गया, वह किले पर उसका कब्जा हो गया। इस किले पर अफगानों का कब्जा 5 वर्षों तक रहा, जिन्होंने अंततः मुगलों ने 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हरा दिया। इसकी केंद्रीय स्थिति को देखते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाना निश्चित किया और सन 1558 में यहाँ आए। उसके इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि यह किला एक ईंटों का किला था, जिसका नाम बादलगढ़ था। तब यह खस्ता हालत में था और अकबर ने इसे दोबारा बनवाया, जो कि उसने लाल बलुआ पत्थर का निर्माण इसमें करवाया था। इसकी नींव बड़े वास्तुकारों ने रखी और इसके अंदर से ईंटों से बनवाया गया व बाहरी आवरण हेतु लाल बलुआ पत्थर को लगवाया गया। इसके निर्माण में 1444,000 कारीगर और मजदूरों ने 8 वर्षों तक मेहनत की। तब सन 1573 में यह बनकर तैयार हुआ। अकबर के पौत्र शाहजहां ने इस स्थल को वर्तमान रूप में बचा और यह भी एक मिथक है कि शाहजहां ने जब अपनी प्रिय पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया तब वह प्रयासरत था कि इमारतें श्वेत संगमरमर की बने, जिसमें सोने व कीमती रत्न जड़ी हों। उसने किले के निर्माण के समय कई पुरानी इमारतों भवनों को रुड़वा भी दिया, जिससे कि किले में उसकी बनवाई इमारतें हों। अपने जीवन के अंतिम दिनों में शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने इसी किले में बंदी बना लिया और एक ऐसी सजा दी कि जो कि किलों के महलों की विलासिता को देखते हुए उतनी कड़ी नहीं थी। यह भी कहा जा सकता है कि शाहजहां की मृत्यु किले के मुसम्मन बुर्ज में ताजमहल को देखते हुए हुई थी। इस बुर्ज के संगमरमर के झरोखे से ताजमहल का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है। यह किला 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय युद्ध स्थली भी बना और इसके बाद भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज समाप्त हुआ और वह लगभग 1 शताब्दी तक ब्रिटेन के सीधे शासन में चला गया, जिसके बाद यहाँ से हमें स्वतंत्रता मिली। आगरा किले को वर्ष 2004 के लिए आगा खां वास्तु पुरस्कार दिया गया था और भारतीय डाक विभाग ने 28 नवंबर 2004 को इस महान क्षण की स्मृति में एक डाक टिकट भी निकाला था। इस किले का एक अर्धवृत्ताकार नक्शा है, जिसकी सीधी ओर यमुना नदी समानांतर है। इसकी चार दीवारी 70 फीट ऊंची और इसमें दोहरे परकोटे, जिनके बीच में भारी पुरुष बराबर अंतराल पे हैं, जिनके साथ ही साथ तोपों के झरोखे व रक्षा चौकियां ही बनी हैं। इसके चार कोनों पर चार द्वार हैं, जिनमें से एक खिड़की की और एक नदी की ओर खुलता है। इसके दो द्वारों को दिल्ली गेट और लाहौर गेट कहते हैं। लाहौर गेट को अमर सिंह द्वार भी कहा जाता है।
शहर की ओर दिल्ली द्वारा चारों में से भव्यतम है। इसके अंदर एक और द्वार है, इसे हाथी पोल कहते हैं, जिसके दोनों ओर दो वास्तवाकार पाषाण हाथी की मूर्तियां लगी हुई हैं, जिनके साथ स्टार रक्षक भी खड़े हैं। एक द्वार से खुलने वाला पुर जो खाड़ों पर बना है, वह एक चोर दरवाजा जिसे अजय बनाते हैं। स्मारक स्वरूप दिल्ली गेट सम्राट का औपचारिक द्वार था, जिसे भारतीय सेना द्वारा सेना की पैराशूट ब्रिगेड हेतु किले के उत्तरी भाग के लिए छावनी के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। दिल्ली द्वार की जनसाधारण हेतु खुला नहीं है। पर्यटक लाहौर द्वार से प्रवेश ले सकते हैं, जिसे कि लाहौर की ओर अब पाकिस्तान में मुख होने के कारण ऐसा नाम दिया गया है। स्थापत्य इतिहास की दृष्टि में यह स्थल अति महत्वपूर्ण है। अबुल फजल लिखता है कि यह लगभग 500 सुंदर इमारतें बंगाली व गुजराती शैली में बनी हुई थी। कईयों को श्वेत संगमरमर प्रासाद बनवाने हेतु ध्वस्त कर दिया गया था। अधिकांश को ब्रिटिश ने 1803 से लेकर 1862 के बीच बैरक बनवाने हेतु तोड़वा दिया। वर्तमान में दक्षिणी पूर्वी ओर मुश्किल से 30 इमारतें शेष हैं। इनमें से दिल्ली गेट, अकबर गेट व एक महल बंगाली महल अकबर की प्रतिनिधि इमारतें हैं। अकबर गेट, अकबर दरवाजा को जहांगीर के नाम से बदलकर अमर सिंह द्वार कर दिया गया। यह द्वार दिल्ली द्वार से मेल खाता है। दोनों ही लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। बंगाली महल भी लाल बलुआ पत्थर का बनाया है। वह दो भागों में अकबरी महल व जहांगीरी महल में बटा हुआ है। यहाँ कई हिंदू व इस्लामी स्थापत्य कला के मिश्रण देखने को मिलते हैं, बल्कि कई इस्लामिक अलंकरणों में तो इस्लाम में हराम वर्जित नमूने को भी मिलते हैं, जैसे अस्तहे हाथी व पक्षी। यहाँ आमतौर पर इस्लामी अलंकरणों में ज्यामिति नमूने, लिखाइयाँ, आयतें आदि की फलकों की सजावटों में दिखाई पड़ते हैं। इस किले के भीतर में कुछ जो स्थल हैं उनके बारे में देखते हैं। तो अंगूरी बाग है, जो 84 वर्ग मीटर पर ज्यामिति प्रबंधी उद्यान बना है। यहाँ दीवाने आम है में मयूर सिंहासन व तख्तेताव स्थापित था, जिसका प्रयोग आम जनता से बात करने के लिए, उनकी फरियाद सुनने के लिए होता था। दीवाने खास का प्रयोग उसके उच्च पदाधिकारियों की गोष्ठी और मंत्रणा के लिए किया जाता था। जहांगीर का काला सिंहासन इसकी विशेषता थी। स्वर्ण मंडप बंगाली झोपड़ी के आकार की छतों वाले सुंदर मंडप थे। जहांगीर महल अकबर द्वारा अपने पुत्र के लिए बनवाया गया था। खास महल श्वेत संगमरमर निर्मित यह महल संगमरमर रंगसाजों का उत्कृष्ट उदाहरण है। मछली महल तालाबों और फव्वारों से सुसज्जित अंतःपुर जनाने खाने के उत्सवों के लिए एक बड़ा महल था। मीना मस्जिद एक छोटी मस्जिद थी। मोती मस्जिद शाहजहाँ की निजी मस्जिद थी। मुसम्मन गुज ताजमहल की तरफ उन्मुख आलिंदे यानी छज्जे वाला एक बड़ा अष्टभुजाकार दुर्ग था। ये नगीना मस्जिद आलिंद बराबर में दरबार की महिलाओं के लिए निर्मित मस्जिद थी, जिसके भीतर जनाना यानी मीना बाजार था, जिसमें केवल महिलाएं सामान बेचा करती थी और खरीदा करती थी। नौबत खाना यहाँ राजा के संगीतज्ञ वाद्य यंत्र बजाते थे। रंग महल यहाँ राजा की पत्नी और उपपत्नी रहती थी। शाही पुत्र शाहजहाँ का निजी कार्य क्षेत्र था और शाहजहाँ महल शाहजहाँ द्वारा लाल बलुए पत्थर के महल को रूपांतरण का प्रथम प्रयास था। शीर्ष महल शाही छोटे जड़ाव दर्पणों से सज्जित राष्ट्रीय वस्त्र बदलने का कमरा था। ये आगरा के किले को इससे अपेक्षाकृत बहुत छोटे दिल्ली के लाल किले से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। मुगलों ने दिल्ली के लाल किले को कभी किला नहीं किया कहा, बल्कि वो लाल हवेली कहा। भारत के प्रधानमंत्री यहाँ की प्रसिद्ध से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष देश की जनता को संबोधित करते हैं। सर आर्थर कॉनन डायल प्रसिद्ध अंग्रेज उपन्यास लेखक के शेरलॉक होम्स रहस्य उपन्यास द साइन ऑफ द फॉर आगरा किले के मुख्य दृश्य हैं। प्रसिद्ध मिस्री पॉप गायक हिशम अब्बास के एल्बम हबीबी द में आगरा किला दिखाया गया है। मिर्जा राजे जय सिंह के संग पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी आगरा 1666 में आए और औरंगजेब से दीवाने खास में मिले। उन्हें अपमान करने हेतु उनके स्तर से कहीं नीचा उन्हें आसन दिया गया। वे अपमानित होने से पूर्व ही दरबार छोड़कर चले गए। बाद में उन्हें जयसिंह के भवन में ही 12 मई 1666 को नजरबंद कर दिया गया। उनकी एक ओजपूर्ण अश्वारोही मूर्ति किले के बाहर लगाई गई है। यह किला मुगल स्थापत्य कला का एक आदर्श उदाहरण है और यहाँ स्पष्ट है कि कैसे उत्तर भारतीय दुर्ग निर्माण दक्षिण भारतीय दुर्ग निर्माण से भिन्न होता था। दक्षिण भारतीय के अधिकांश दुर्ग सागर किनारे निर्मित थे। एज ऑफ एम्पायर 3 के विस्तार पैक एशियन डायमेंसिटीज में आगरा के किले को भारतीय सभ्यता के 5 अजूबों में से एक दिखाया गया है, जिसे जीतने के बाद ही कोई अगले स्तर पर जा सकता था। एक बार बनने के बाद यह खिलाड़ी को सिक्के के जहाज में स्थान रहता है और इस वर्जन में कई अनुभूमिका भी है। तो ये हुई आपके लिए आगरा के किले से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियाँ।
हमारा जो अगला वीडियो रहेगा वो जनता गुफाओं पे रहेगा और उनके बाद भी और जो स्थल उन पे रहेगा। तो हमारे पास 39 स्थल है विश्व विरासत की सूची में, और सबसे पहला जो विश्व विरासत की सूची में जो स्थल लिया गया था वो आगरा का किला ही था, जिसके बारे में भी हमने बात की। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज RSIS अकेडमी में विजिट कीजिए या हमारी वेबसाइट www.rsacademygroup.com में विजिट कीजिए। थैंक यू।